लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने फिर रनीज क्रीम का नाम बदलने के ऐलान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की सराहना की है। कंपनी की फिर रनीज क्रीम फेयर एंड लवली में से बहुत जल्द फेयर शब्द को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसके लिए आधिकारिक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कंपनी ने कहा, हम स्किन टोन सहित तमाम स्किन केयर पोर्टफोलियो के प्रतिबद्ध हैं, जो सुंदरता की विविधता सेलिब्रेट करता है, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट से फेयरनेस, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्द हटा रहे हैं और फेयर एंड लवली ब्रांड का नाम बदल रहे हैं। सुहाना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आई इस खबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। शाहरुख खान ने साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुहाना डस्की हैं। उन्होंने कहा था, मैं ईमानदारी से कहूंगा, मेरी बेटी सांवली है, लेकिन वह दुनिया में सुंदर लड़की है और कोई मुझे इसके बारे में कुछ और नहीं कह सकता। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका और कई देशों में ब्लैक लिव्स मूवमेंट के दौरान विरोध प्रदर्शन के बाद भारत में फिर रनीज क्रीम को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस पर सबसे पहले एक्टर अभय देओल ने रिएक्शन दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड और एनालिसिस के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे, जिसमें फेयर रनीज प्रोडक्ट टॉप पर थे। अभय देओल फेयर रनीज क्रीम को बढ़ावा देने वाले लोगों पर तनज कसा था और पोस्ट में लिखा, भारत में फेयर रनीज क्रीम्स की उत्पत्ति कुछ सालों में हुई है, पहले फेयर रनीज क्रीम्स और अब स्किन ब्राइटनिंग या स्किन व्हाइटनिंग जैसे क्रीम्स। अब तो बहुत से ब्रांड्स फेयर रनीज क्रीम्स जैसे नाम से जुड़ना नहीं चाहते, तो क्या अब हम एचडी ग्लो, व्हाइट ब्यूटी, व्हाइट ग्लो, फाइन फेयर रनीज जैसे ब्रांड्स बेचेंगे? इतने सालों में इन कंपनियों ने पुरुषों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो अब फेयर एंड हैंडसम बनना चाहते हैं।